छठ की पूजा के लिए गांव जाना था। लेकिन तिवारी काका, कुसुम मासी, गांव जाना जरूरी है क्या? मतलब घर में पूजा नहीं हो सकती? मैं वो गांव जाना था ना, इसलिए हमने घर में रंगाई नहीं करवाई है और घर का शुद्धिकरण भी नहीं हुआ है। तो आप लोग एक काम कीजिए ना, आप लोग हमारे घर में पूजा कर लीजिए। देखिए, हमारा घर तो बड़ा भी है और शुद्ध और पवित्र भी है। अच्छा कुसुम मासी, मैंने ये तो सुना है कि छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व होता है, लेकिन इसे करने से क्या होता है? मैं अंधे को आँख मिलती है, बाजन को संतान, घर में सुख शांति समृद्धि, है ना? अरे हाँ मई, जो लाइलाज बीमारी जो कभी भी ठीक नहीं हुआ है वो छठ मैया की कृपा से एकदम में ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा मई, हम लोग चलते हैं। हाँ, जय अम्बे, जय अम्बे। हेलो, क्या हुआ नानी को? क्या ठीक है? क्या हुआ मई, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। सागर जी, नानी को डेंगू हुआ है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या? अरे हाँ मई, जो लाइलाज बीमारी जो कभी भी ठीक नहीं हुआ है वो छठ मैया की कृपा से एकदम में ठीक हो जाता है। अब तो मैं भी छठ का व्रत रखूंगी। मही, मैं क्या सुन रही हूँ? तिवारी कह रहे हैं कि वो लोग छठ पूजा के लिए यहाँ आ रहे हैं। जी सासुमा। अरे क्या जी सासुमा, अरे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे एक बार बताना तो चाहिए था मही। उसी दिन मेरे कितने इम्पोर्टेंट लोग आने वाले हैं यहाँ। सारी सासुमा, गलती हो गई। लेकिन सासुमा, आपने भी तो नहीं बताया था ना कि आपके कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। ओहो, ले। क्या हुआ माम? मैंने कुछ नहीं बेटा, अब मुझे लगता है इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग अपना फैसला खुद ले रहे हैं। ला, मुझे वो बीपी की दवाई दो, इसने तो मेरा बीपी बढ़ा दिया। अरे लेकिन मॉम, बात क्या है? अरे एक तो तुम्हारी नानी का मुझे कितना टेंशन है सागर, उन्हें डेंगू हो गया है, वो सीरियस है, बचने के कोई आसार नहीं है, और ये मुझे छठ पूजा का टेंशन दे रही है। अरे मॉम, वही ये छठ पूजा का व्रत इसीलिए तो रख रही है ताकि नानी स्वस्थ रहे। क्या मही, तू छठ का व्रत रखेगी? हाँ सासुमा, अगर छठ मैया की कृपा हुई तो नानी जी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इतना कठिन व्रत तू नानी के लिए रखेगी? तूने तो मेरा दिल जीत लिया। रख, व्रत रख, मैं तुम्हें साथ दूंगी। सागर, नानी को मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर दो और अच्छे से इंतजाम करना, चाहे जितना भी खर्चा हो। यस मॉम। मैं कल नहाए खाए हैं, यानी कि जो व्रत रखती है वो पर्वे दिन नहाने के बाद चावल और लौकी ही खाती है। तुम लोग एक काम करो ना, अभी से यहाँ आ जाओ। अच्छा, आप इतना बोल रही है तो आज रात से ही आ जाएंगे। अच्छा है कुसुमासी, और आपके बच्चों को तो अभी से ही भेज दीजिए। अरे मई, बच्चे तो चाचा जी के साथ पहले ही गाँव चले गए, वो हमें क्या पता कि हमें टिकट ही नहीं मिलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। जय अम्बे। अरे छठ पूजा के दिन बिहार में बहुत ही मजा आता है। अरे मई, ये फल तो हम लोग लेकर आए, फिर ये फल कहाँ से आए? सागर जी, सासू माँ के कोई बिहारी जान पहचान वाले हैं ना, तो जब उन्हें पता चला कि हमारे घर पर छठ पूजा होने वाली है तो वो ये सूप देकर चले गए। सूप? ये सूप क्या होता है? अरे रोहित, तू कहाँ है? जो लोग किसी भी कारणवश छठ पूजा नहीं कर पाते ना, उन लोग ये सूप उनके घर देते हैं जिनके घर छठ की पूजा होती है। अरे छठ मैया के सामने श्रद्धा का प्रतीक है भाई। हे सरप्राइज, आ जाओ सब लोग। क्या? ये लो, तुम दोनों के लिए दो दो साड़ियां लाई हूँ घाट पे जाते वक्त पहनने के लिए। अब अंशुया बहन, लेकिन ये साड़ी में तो काला रंग है। क्यों, आपको पसंद नहीं है? अरे सोनिया, तुमको नहीं मालूम है ना कि छठ पूजा में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और ऊपर वहिता को जो और दे रही है, अरे उसको तो बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। अरे कोई बात नहीं, लाइए मुझे दीजिए, मैं जाके चेंज करवा दूँ। नानी को मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया और वहाँ के बेस्ट अवेलेबल डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। आई होप जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे। थैंक गॉड, बहुत अच्छा किया तुमने।
ये बताइए कुसुम जी, आज तो आप लोग ने लौकी भात खा लिया, फिर कल क्या खाएंगे? अरे कल परवैता पूरा दिन उपवास रखती है और शाम को आम के दातुन से मुंह धोने के बाद प्रसाद के रूप में खीर खाते हैं, इसको क्या कहते जानती हो? खरना कहते हैं, खरना। हाँ तो हम लोग क्या खाएंगे? यूं तो हम लोग सब खीर ही खाएंगे, लेकिन इस पृथ्वी पे सोनिया जैसे अनेक प्राणी हैं जिनको हवा खाके जीना पड़ेगा। मतलब सोनिया को हवा? नहीं नहीं, मतलब भूखे पेट तो सोने मर ही जाएगी ना। मही, सोनिया को भी दातुन करना है, पर ये आम वाला दातुन कहीं मिल नहीं रहा है। सोनिया, ये परवैता के लिए ही है, तुम नहीं भी करोगी तो भी चलेगा। पर फिर खीर खाने नहीं मिलेगी उसका क्या? अरे सोनिया, मॉम ने ऐसे ही कह दिया था, तुमने जितनी खीर खानी है खा लेना, आई मीन प्रसाद। अच्छा तब तो ठीक है, दातुन करने की कोई जरूरत नहीं, अब लो करो। अरे त्यूरैन का है, अभी तो तुम दातुने कर रही हो। अरे खरना का समय हो रहा है, चांद भी जाने वाला है, जल्दी करो। जल्दी 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 जल्दी। अरे वाह, ये क्या बनाया है, इसकी खुशबू तो बाहर तक आ रही है। भाभी इसे ठेकुआ कहते हैं। खाने को कब मिलेगा? भाभी पूजा खत्म होने के बाद, यानी पारण होने के बाद। अच्छा तो पूजा खत्म होने को पारण कहते हैं? नहीं सोनिया, पूजा खत्म होने के बाद हम लोग यानी पर्वतीन मिलकर कुछ खाते हैं और उसके बाद ये व्रत खत्म होता है और उसे पारण कहते हैं। अच्छा तो उसके बाद सोनिया ये ठेकुए को खा सकती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल भाभी। अच्छा भाभी, अब इतने से हो जाएगा ना आपका? हाँ बहुत है, चलेगा। अच्छा तो अब सोनिया को ये जानना है कि ये छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। मैं जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी ना, वो सोनिया को तुम सुना दो। ठीक है भाभी, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। वैसे तो भाभी इसके पीछे कई कहानियां हैं, मैं आपको एक सुनाती हूँ। सदियों पुरानी बात है, एक जंगल में एक ऋषि तपस्या में लीन हो गए थे और समय बीतने के साथ साथ उनके शरीर पर दिमक और मिट्टी जमा हो गई थी, लेकिन आंखें नहीं, उनकी आंखें दो ज्योति की तरह चमक रही थी। और भाभी एक दिन राजा ययाति की बेटी अपनी सहेलियों के साथ उस जंगल में खेलने आई, तो उसने वो दो ज्योतियों को देखा तो उसे लगा कि ये कोई खेलने की चीज है, तो बस खेलने की चीज समझकर उन्होंने ऋषि की आंखें फोड़ दी। और तब ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने उस लड़की को श्राप दे दिया कि तुम अंधी हो जाओगी। तो उस राजा की बेटी अंधी हो गई? हाँ सोनिया, वो अंधी हो गई थी। फिर ये जानकर राजा मुनि के पास दौड़ कर गए, उन्हें हाथ पैर जोड़कर उनसे माफी मांगी और ये कहा कि उनकी बेटी की आंखें वापस आ जाए। और आंखें वापस मिल गई है ना? नहीं, ऋषि ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर ये लड़की पूरी श्रद्धा और नियम के साथ छठ मैया का व्रत करे तो इसकी आंखें वापस आ सकती है। राजा ययाति की बेटी ने पूरी श्रद्धा से छठ मैया की पूजा की, उनका व्रत किया और उसकी आंखें वापस आ गई। और तभी से राजा के घर हर साल छठ मैया की पूजा होती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मस्त। छठ के पीछे और भी कई कहानियां हैं, जैसे एक बार औरंगजेब बिहार के देव में देवर मंदिर नष्ट करने गया, भले ही उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है, लेकिन फिर भी उसने कहा ये मंदिर मैं तभी नष्ट नहीं करूंगा जब इस मंदिर का दरवाजा पूरब से पश्चिम की तरफ हो जाएगा और तभी मैं छठ मैया की शक्ति को मान जाऊंगा। अच्छा तो दरवाजा पूरब से पश्चिम की ओर हो गया? हाँ हाँ भाभी, अरे रातों रात मंदिर का दरवाजा पूरब से पश्चिम की ओर हो गया। और ये देखकर औरंगजेब अचंभित रह गए, उन्हें लगा कि ये छठ मैया की कृपा है, तो बस उन्होंने मंदिर को ध्वस्त करने का विचार त्याग दिया। वाह मस्त है, मस्त। हेलो ऑफिसर, हाँ आज छठ पूजा का दिन है तो सारे पर्वतन नंगे पांव घाट पे जाएंगे, तो वहां का रास्ता साफ हो गया है ना? गुड, थैंक यू। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मस्त, एकदम मस्त मॉम। सासुमा, नानी जी की तबीयत कैसी है अब? बेटा डॉक्टर्स हैं उनका ध्यान रखने के लिए और मेरे लोग भी वहां मौजूद हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ पूजा पे ध्यान दो। हेलो, हाँ भैया। हाँ छोटे बोल। भैया हमने पता लगा लिया है, खबर पक्की है,
अनुप्रिया के घर छठ पूजा होने वाली है। हाँ, और भैया हमने तो ऐसा सुना है कि छठ पूजा में कुछ भी गड़बड़ी होने पर बहुत बुरा माना जाता है। तो भैया हमने क्या सोचा है, हम जो है वो अनुसुया का परिवार जिस रास्ते से जा रहा होगा उसी रास्ते पर हम कांच बिछा देंगे। अरे भैया जरा सोचिए, अनुसुया का परिवार नंगे पांव और उनके पांव में कांच के टुकड़े। आहा भैया लगा रहे छोड़े लगा रहे। जय हो भैया की। हाँ जी, हाँ भैया रखते हैं। हेलो। हाँ जी, क्या एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, एक मिनट। रोहित क्या हुआ? रोहित तुम जाओ, नानी के लिए फोन है। सब ठीक तो है ना माँ? नहीं बेटा ठीक तो नहीं है। तो मैं रुकूं? नहीं नहीं तुम रुको मत, तुम जाओ उनके पीछे, वरना उनको टेंशन होगी। और सुनो मही को इस बारे में कुछ मत बताना। अरे उपवास में टेंशन रखना ठीक बात नहीं है। ओके मैम। हेलो। नहीं 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 मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। अरे हाँ तो क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि मामला सीरियस है, लेकिन हम भरोसा तो नहीं छोड़ सकते ना। आपने डॉक्टर राजेश गड़िया को फोन किया? What do you mean he is not available? मैं उन्हें जानती हूँ, मैं उनसे बात कर लूंगी। ओके उन्होंने 5,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को ठीक किया है। या देखिए देखिए मेरे कार्यकर्ता 24 घंटे आपके पास है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें बताइए या मुझे फोन कीजिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ की हालत बहुत खराब होती जा रही है। छठ मैया मेरी माँ को जल्दी ठीक कर देना, चमत्कार कर देना। मेरी बहू ने बहुत भरोसा रख के ये व्रत किया है, उसका भरोसा रखना। मेरी बात ध्यान से सुन, अनसुया की फैमिली इसी रास्ते पे आ रही है। वो लोग जैसे यहाँ तक पहुंचेंगे मैं ये बोतल उनके रास्ते में धड़ाम से फोड़ दूंगा, सारे कांच उनके पैर में खचाखच घुस जाएंगे। हाँ, और सारे के सारे अस्पताल में। मैं एक काम करता हूँ, ये बोतल मैं फोड़ू तो मेरा लाल कितना खुश हो रहा है। ले ले फोड़ फोड़। मैं फेंकू बेवकूफ। जा ले क्या बोतल ले क्या। हाँ जाता हूँ। जा जल्दी, किसी काम का नहीं है। ये देख बोतल ऐसे फोड़ते हैं, देख सीख सीख मुझसे सीख। एक दो तीन। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? आँख में गया कांच। जल्दी एम्बुलेंस बुला। अब भी बुलाता हूँ, टेंशन मत लो। अरे आप तो वो नेता है ना, आपकी आँख कैसे फूट गई? फूट गई। अरे रुकिए मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। प्लीज।
आ जाए। रुको रुको यहाँ। अरे यार छठ माँ की पूजा करके ना मन तृप्त हो गया है। हाँ गुजराती होने के बावजूद भी मैंने छठ मैया का पूजा बहुत श्रद्धा से किया है। बोलो छठ मैया की जय। सासू माँ नानी जी की तबीयत कैसी है अब? अब इसे कैसे बताऊं कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। बोलिए ना सासू माँ। अब बेटर है, थोड़ी ठीक है, फिर छठ माँ की कृपा। चलो तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। हाँ, जी। तिवारी जी, तिवारी जी। क्या हुआ? अरे वो 3 बज गए हैं, घाट पर चलने की तैयारी करनी है। अरे तो मही को उठाओ ना, हम उतारते हैं इनको। सागर मही, मही 3 बज गए हैं, चलो। जय छठ माता। अरे तुम लोग उठ गए, मैं उठाने ही आ रही थी। मॉम आप इन लोगों के साथ घाट पे जाइए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभालता हूँ। नहीं बेटा, महीने व्रत रखा है, तुम्हारा उसके साथ रहना जरूरी है। तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभालू। चलो उठो उठो। अरे अब किसका फोन बज रहा है? मेरा ही बज रहा है। बड़े भैया उइमा। अरे छोटे उइमा उइमा करना बंद कर। भैया तू फिकर मत कर, तेरा बदला अब ये तेरा बड़ा भाई लेगा। आ भाई। पर मैं तेरी तरह बोतल नहीं बम फोड़ूंगा। बम बम? अच्छा अब गौर से मेरी प्लानिंग सुन। अनसुया की फैमिली छठ पूजा के लिए निकल चुकी होगी और हमारा आदमी घाट के रास्ते पर घात लगाकर बम फोड़ देगा। कैसा लगा हमारा प्लान? बढ़िया है ना? बस अब तू देखता जा अनसुया की फैमिली कैसे अस्पताल में पहुंचती है। नेताजी, अरे ये कैसा बम दे दिया आपने हमको? हम फोड़ने गए, फूटा ही नहीं। अरे ऐसा कोई कान फाड़ू बम दे दो कि यू जला नहीं, धम से फूटा नहीं। अरे कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो। अरे ये देखो कैसे हो सकता है, अरे ये तो इंटरनेशनल बम है। एजेंट ने हमसे कहा था कि मार्केट में इससे अच्छा बम एक भी नहीं है। मतलब हमसे, नेता से धोखा। नेताजी क्या? नेताजी अरे भाग क्यों रहा है? नेताजी बचिए। अरे किससे बचूं? अरे अरे हे छठ मैया, मैंने आपका व्रत पहली बार किया है, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि नानी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। और तीसरी चौंकाने वाली खबर एक डेंगू के मरीज के बारे में। जी हाँ,
मशहूर नेता अनसुईया मेहता का परिवार, जिन्हें नानी नानी कहता है, डॉक्टर राजेश गाड़िया ने उन्हें डेंगू से ठीक कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि उनका बचना नामुमकिन था, लेकिन डॉक्टर राजेश गाड़िया ने उन्हें बचा लिया। हेलो सागर, अरे सागर चमत्कार हो गया, नानी नानी ठीक हो गई। क्या? हाँ अभी अभी मैंने न्यूज में देखा, ये सब छठ मैया की कृपा है। मॉम मैं अभी ये खबर मई को सुनाता हूँ। मई, लोग भले ही ये कहते होंगे कि डॉक्टर ने नानी को ठीक किया, लेकिन सच तो ये है जो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि तुमने ही नानी को ठीक किया है। सचमुच तुम्हारी महिमा अपरंपार है। मई, नानी की तबीयत ठीक हो गई है। सच? हाँ। अरे सागर, छठ मैया का कृपा है। बोला छठ मैया की जय।